हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इन रेड कलर के देसी वाले कलंचो फ्लावर्स से। और देखिए किस तरह से अब तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफ़ी सारे फ्लावर्स लग गए। और ये है मेरे बालकनी गार्डन में, ये तो पूरी तरह से खिल गए और नीचे भी अब की बार तो खूब सारे खिलने वाले हैं। कुछ बर्ड्स काफ़ी अभी खुलने वाली हैं और कुछ में बर्ड्स बनी हुई हैं। और यहाँ पर तो बहुत अच्छी धूप आने लग गई है, तो ये देखिए सारे ही खिल गए हैं और बहुत प्यारे लगते हैं जब बंच में ही खिलते हैं। देखिए बाकी प्लांट्स की भी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी ग्रोथ शुरू हो गई है क्योंकि इनको सबको मैंने कट कर दिया था। और एक ये क्रिसेंथमम का प्लांट है जिसमें रेड कलर के फूल आए थे और इसमें अब कलियाँ बनी हुई हैं, तो मैंने इसको छोड़ दिया था। और इसमें देखिए शायद ये फूल खिल जाएंगे इसके, तो इसको सिर्फ छोड़ा, बाकी तो सभी की कटिंग की हुई है। और इसमें भी देखिए कटिंग कर दी थी तो फिर से बर्ड्स आ गए हैं, तो देखते हैं खिल जाएंगे तो अच्छा ही है। ये छोटा सा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है मेरा, जो इतने अच्छे फ्लावर्स खिलाए हैं इसने। छोटे से प्लांट पे ही मेरे अभी तक 7-8 फ्लावर्स आ चुके हैं, अभी भी देखिए 2 लगे हुए हैं इसमें। और मैंने बहुत वेट किया यूफोर्बिया मिली के फ्लावर्स के लिए, और जब इसने पत्ते झाड़ दिए, इसके सारे पत्ते गिर गए, तो देखिए इसमें अब फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है ऊपर। और मेरे मेन गार्डन में भी एक यूफोर्बिया मिले बहुत पुराना है, जिसने कभी फ्लावरिंग ही नहीं की जब से वो लगाया, लेकिन इस बारी उसने भी फ्लावरिंग किया। मैं ऊपर से ही आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे मेन गार्डन में यूफोर्बिया मिले, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, इसने अब की बार फ्लावरिंग स्टार्ट किया। और इसके फ्लावर थोड़े से डिफरेंट हैं, ऊपर वाले के थोड़े डिफरेंट हैं। बाकी अभी कुछ क्रिसेंथमम येलो वाले मेरे अभी भी बाकी हैं, लगे हुए हैं नीचे भी और ऊपर भी, तो चल रहे हैं। इनको भी कट कर दूंगी, अभी नहीं किया था इनको, एक दो टहनी को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फ्लावरिंग भी थी और बर्ड्स भी बनी हुई थी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपने मेन गार्डन में, और ये देखिए ये है यूफोर्बिया मिली, जिसके ये पिंक पिंक कलर के फ्लावर्स लगने स्टार्ट हो गए हैं और ऊपर वाले थोड़े येलोइश हैं, अलग ही शेड है वो। ये देखिए मैंने जो अपने सीड्स ग्रो किए थे उनमें से ये पोपी के फ्लावर्स अब ऐसे दिखाई देने लग गए हैं। काफ़ी सारे फ्लावर्स डेली देखती हूँ मैं, आज भी लगा और कलर भी इनका बड़ा प्यारा है, कि जो मैंने मसाले दाने में लगाए थे। ये डायंथस में भी देखिए पिंक कलर तो बहुत प्यारा निकल रहा है, ये वाला भी पिंक ही है। ये दो प्लांट यहाँ रखे हुए हैं और निकालती रहती हूँ मैं इनके फ्लावर्स भी, इस तरह से हो जाते हैं तो हटा देती हूँ, सफाई करनी भी इनकी बहुत ज़रूरी है, तो और फ्लावर्स निकल के आते हैं। विंटर के ही फ्लावर्स देखिए पेंजी, मेरे पास ये 3 शेड तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अभी एक पर्पल एंड वाइट मेरा मेन उसमें फ्रंट गार्डन में भी निकल रहा है, यहाँ पर ये येलो वाला रखा हुआ, ये भी बहुत प्यारे कलर्स हैं, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह लगते हैं। और अब तो फूल भी बहुत सारे खिलने लग गए हैं, पहले एक एक दो दो करके आ रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी निकल के आ रहे हैं। देसी गुलाब की बात करूं तो देसी गुलाब में मैंने आपको बंचेस में फ्लावर्स दिखाए थे, और देखिए इसमें भी बंचेस में ही लगे हुए हैं, कलियां बनी हुई हैं, फ्लावर्स हटाती रहती हूं मैं, तो ये भी अब बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं जब से इनको मैंने फिर से खाद दे दिया। खाद देना तो बड़ा ज़रूरी है, तभी इनमें ताकत आती है और ये तभी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, अदरवाइज़ एक दो फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे अगर बहुत अच्छे से इन्हें फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। ये वाला भी देसी गुलाब है, इसमें भी देखिए 2-3 कलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। यहीं पे मैंने 4-5 प्लांट्स डेलिया के रखे हुए हैं, और देखिए किस तरह से बडिंग हो रही है इनमें, फूल खिले थे पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, और अब 4-5 प्लांट हैं ये, चारों पांचों में ही बर्ड्स बनी हुई हैं, इसमें मुझे नज़र नहीं आ रही, हाँ इसमें भी आई हुई है देखिए, तो सभी बड़े अच्छे से चल रहे हैं। ये जो टाइम है इस टाइम सभी प्लांट्स में बडिंग हो रही है या फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है अभी प्लांट्स के लिए। यहाँ पर भी देखिए ऊपर मैंने आपको देसी कलंचो दिखाए थे, और मैंने तो बहुत सारी कटिंग्स लगा दी थी, तो सभी में देखिए अभी अच्छे से बडिंग हो रही है और खिलने वाले हैं कुछ ही टाइम में। ये भी डेलिया देखिए खूब अच्छे से बर्ड्स बनी हुई हैं। और ये है मेरा गेंदा, ये 2 प्लांट थे हाइब्रिड वाले, एक तो ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन दूसरे के ये सारे जो फ्लावर कट कर दिए, तो उसके बाद में फिर से नई बर्ड्स आ गए हैं और काफ़ी सारी लगी हुई हैं, तो ये चलेगा, हो सकेगा तो इसकी मैं कटिंग्स भी लगा दूँगी। और
बाकी कोलियस की तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, खूब बाहर है मेरे यहाँ पे, और काफ़ी सारी कलेक्शन भी है मेरे पास में कोलियस की, काफ़ी सारे डिज़ाइन कलर्स, वो मैं आपको टाइम टू टाइम शो भी करती रहती हूँ, और सभी बड़े अच्छे से पूरा साल भर चलते हैं, कभी भी मेरे कोलियस ख़राब नहीं होते अगर इनकी प्रूनिंग कर दें लंबे होने पर। और जैसे इनकी स्टेम सूखी सूखी हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, और देखिए कितने प्यारे लगते हैं, आपको जगह जगह नज़र आएंगे मेरे कोलियस लगे हुए। और काफ़ी सारे गिफ्ट भी कर चुकी हूँ और अभी भी डिमांड है इनकी, इनको लोगों को ये कलरफुल पत्ते बहुत प्यारे लगते हैं और वो फिर डिमांड भी करते हैं, तो काफ़ी लोगों को मैं दे चुकी हूँ और अभी भी मुझे कुछ लोगों को देना बाकी है। रेड कलर के साल्विया का एक ही प्लांट लाई थी मैं, और उसके बाद में मैं लेने भी नहीं गई, ना ही मैंने मंगाए, और इसमें देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और अभी दोबारा फिर स्टार्ट हो गई है ये, और ये थोड़े से दिन में मैं फिर से हटा दूँगी और फिर भी ये फ्लावरिंग करेगा। और सिनेरेरिया का भी एक ही प्लांट लाई थी, तो बहुत दिनों तक इसमें कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी जब इसमें धूप नहीं मिल रही थी, और अभी फिर मैंने इसको फर्टिलाइज भी किया था, तो देखिए कितनी सारी बडिंग हो रही है पर्पल कलर वाले फ्लावर्स। लास्ट ईयर भी मेरे पास यही कलर था और मैं सिर्फ यही एक लेके आई थी उस वक्त, पता नहीं मैंने और क्यों नहीं लिए, समझ में नहीं आया, लेकिन ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और बहुत दिन चलते हैं इसके फ्लावर्स भी। और देखिए कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं, और बस वेट कर रही हूँ कि ये भी खिल जाएं जल्दी से, और खूब प्यारा लगता है गार्डन फिर। और देखिए यहाँ से वहाँ तक ये पूरे के पूरे मेरे देसी वाले कलेंचो हैं, और खूब अच्छे से फ्लावरिंग फ्लावर बर्ड्स बन गए हैं देखिए, और ये देखिए ये खिलने भी स्टार्ट हो गई हैं, और सिर्फ एक बार फर्टिलाइज़ किया मैंने इनको सबको एक साथ में, और ये टायर प्लांटर में भी सारे यही सब लगे हुए हैं देसी कलेंचो, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे आ गए हैं। यहाँ पर भी एक छोटे से बॉल में मैंने देखिए लगा दी थी कटिंग्स, तो इसमें भी बडिंग हो रही है, तो इस बार जितने भी कलेंचो की कटिंग्स थी सब में फ्लावरिंग होगी। ये देखिए फ्लावर्स हैं, तो ये देखिए कितनी प्यारी सी क्यूट सी छोटी सी तितली भी आ गई है और इधर उधर मंडरा रही है पौधों पर। और यहाँ भी देखिए कितने सारे कोलियस के प्लांट्स हैं, तो ग्रीन के बीच में कलरफुल प्लांट्स जब हम लगा देते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और इन्हीं को देख के लोगों की डिमांड भी आ गई है। और यहाँ पर पर्पल हार्ट है बीच बीच में, ग्रीन के बीच में लगे हुए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पर तार के ऊपर मैंने बॉटल को काट के कलरफुल पत्तों वाला ये प्लांट लगाया हुआ है, और देखिए एग्लोनीमा, और ये फ्लावरिंग भी बहुत करता है, छोटी सी बॉटल में लगा हुआ है लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है हर बारी। तो ये था मेरे गार्डन के प्लांट्स का छोटा सा ओवरव्यू, ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स हैं। नीचे भी ये देखिए क्रिसेंथमम अभी तक भी फ्लावरिंग कर रहा है, तो ये एक दो टहनी जो मैंने छोड़ी हुई थी उन पे फूल आए हुए हैं, और बाकी कुछ ये प्लांट्स थे फ्री के जो मैंने बीज लगा दिए थे और फिर इनको शिफ्ट किया था, तो इन पे भी बडिंग हुई थी, ये देखिए बडिंग हो रही है इनके ऊपर भी, ये देखिए ये भी खिल जाएंगे, तो अच्छा लगता है जब काफ़ी सारे फ्लावर्स गार्डन में खिले हों और सभी पौधे अच्छे से चल रहे हों। थोड़ी सी केयर मांगते हैं, अच्छे टाइम पे इनको फर्टिलाइज़ कर दो, और कल तो बारिश हुई है, इन्हें बारिश का पानी भी मिल गया, तो उम्मीद है और भी अच्छे से फ्लावरिंग करेंगे। तो बस यही एक छोटा सा वीडियो था फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।